जय गो माता, जय गोपाल। सभी गोवत्स भाइयों को, गो भक्तों को, हरि भक्तों को, सभी को सप्रेम जय श्री कृष्ण। आज एक संदेश लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। आप में से कुछ लोगों को ज्ञात होगा, कुछ लोगों को शायद न भी ज्ञात हो। पिछले कुछ महीनों से राजस्थान एवं उसके आसपास के कुछ राज्यों में गोवंश में एक भयंकर महामारी फैली हुई है, जिसका नाम लंपी स्किन डिसीज है। यह एक ऐसी संक्रामक बीमारी है, जिस प्रकार कोरोना महामारी का प्रसार हुआ था, ऐसे ही धीरे 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 यह लंपी बीमारी का भी विस्तार होता जा रहा है। पिछले कुछ महीनों में खाली राजस्थान में ही लाखों गोवंशों की प्राणों की क्षति हुई है। यह आंकड़ा अब न जाने कहां पर जाकर के रुकेगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। रोग इतना भयंकर है कि हम उस रोग से ग्रसित गोवंश को देख भी नहीं सकते। सबसे पहले तो इस रोग में गोवंश के शरीर पर फोड़े हो जाते हैं, गाय भीतर से कमजोर हो जाती है, चारा चर नहीं पाती है, फेफड़े कमजोर हो जाते हैं, गला रुक जाता है, आंखों से पानी बहता है, धीरे धीरे रक्त भी आने लगता है, वह फोड़े बड़े होकर फूट जाते हैं, उनमें घाव पड़ जाता है, धीरे धीरे उनमें कीड़े भी पड़ जाते हैं। वो कुछ कुछ गोवंश में तो उनके पांव की चमड़ी तक गल के, मांस तक गल के गिरने लगता है, हड्डियां नजर आने लगती है। अत्यंत भयावह और बड़ी करुणापूर्ण स्थिति बनी हुई है मेरे पास। मैं आपको क्या बताऊं किस प्रकार से यहां सब स्थितियों का वर्णन करूं। आप सब सजग लोग हैं तो निश्चित रूप से आपके ध्यान में ये सब स्थितियां होंगी, और आप इन सब स्थितियों को प्रत्यक्ष अपने आसपास की गौशालाओं में जाकर के देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जो गोवंश गौशालाओं में नहीं है और किसानों के द्वारा अथवा अन्य किन्हीं गोपालकों के द्वारा छोड़ा गया है, उस मार्ग पर विचरण करने वाले गोवंश की स्थिति तो और अधिक दयनीय है। गौशाला, गो चिकित्सालय, सरकारी पशु चिकित्सालय, किसी के पास भी इस रोग का अभी एक पक्का इलाज किसी के पास नहीं है। न तो आयुर्वेद में कोई इसका इलाज है, न एलोपैथी में कोई इसका इलाज है। हाँ, यह जरूर है कि आयुर्वेद की कुछ स्वाभाविक औषधियां जैसे हल्दी, गौ माता का घी, गुड़ आदि, इन कुछ कुछ चीजों का प्रयोग करके और गौओं को खिलाया जा रहा है। कुछ औषधियां हमारे पथमेड़ा गोधाम में तैयार भी की गई है, जिनको लगाने से थोड़ा गौ माता के शरीर में खुजली कम हो जाती है, कीड़े कम हो जाते हैं, मक्खियां पास नहीं आती हैं, थोड़ा उनको आराम मिलता है। इस प्रकार के प्रयोग सभी जहां जहां भी पीड़ित गोवंश है वहां सब जगह वो प्रयोग चल रहे हैं। प्रयोगों की कमी नहीं है, सामग्री की कमी नहीं है, लेकिन कमी है तो ऐसे कुछ लोगों की कमी है जो ऐसे वक्त में गोवंश के पास में रह करके उनके कष्ट को समझते हुए प्रेम से हृदय में करुणा का भाव लेकर उनकी सेवा कर सके। चिकित्सक आते हैं, कंपाउंडर आते हैं, वे नाम में जो उनसे बन पड़ता उतना वो करके जाते हैं, लेकिन गायों के शरीर में जहां गंदगी जमा है, मैल जमा है, कफ जमा है, रक्त जमा है, उनको वहां से हटाने में बहुत समय लगता है। जहां गायों के घाव में कीड़े हैं, उन कीड़ों को बाहर निकालना पड़ता है, पट्टियां करनी पड़ती हैं, और भी अनेक प्रकार से गोवंश की सेवा में
लगना पड़ता है इस सब कार्य करने के लिए। गौ माता के प्रति भाव रखने वाले, गौ माता के प्रति श्रद्धा रखने वाले गो भक्तों की आवश्यकता है, गोवत्सों की आवश्यकता है। साधन की कमी नहीं है, सामग्री की कमी नहीं है भाइयों, इस बार तन से सेवा करने की आवश्यकता है। मैं एक छोटी सी प्रार्थना करता हूं, आप लोग समय निकालें और पथमेड़ा गोधाम पहुंच करके वहां परम पूज्य श्री पथमेड़ा महाराज जी विराजमान है, वे सभी जिलों की गौ सेवा समितियों को, गौशालाओं को वहां से मार्गदर्शन भी कर रहे हैं और पथमेड़ा से कई टीमें भी अलग अलग जिलों में जाकर के और यहाँ उपचार का कार्य कर रही है, गौ सेवा का कार्य कर रही है। ये समय है तन से गौ माता की सेवा करने का। मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ, विशेष करके गोवत्सों से प्रार्थना करता हूँ, आप जितना समय निकाल सकते हैं, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, जितना आपके पास समय हो, आप पथमेड़ा गोधाम पहुंचे और वहां से जैसा आपको निर्देशित किया जाए उस प्रकार से पथमेड़ा में रह करके भी गोवंश की सेवा कर सकते हैं, आसपास की गौशालाओं में भी जा करके आप सेवा का लाभ ले सकते हैं। लेकिन आप सब इस अवसर पर सच्चे गोभक्त होने का परिचय दें, सच्चे गोवत्स होने का परिचय दें और गौ माता की तन से सेवा करें। गौ माता के तन में कष्ट है, हम लोगों को भी अपने तन से गौ माता की सेवा करनी है। इस सेवा कार्य में समाज सेवी आगे आए, भामाशाह आगे आए, सरकारें आगे आए, हम सबको आगे बढ़कर आज गौ माता की सेवा करनी है। जब हम लोग कष्ट में थे कोरोना काल में, तब हमारी गौ माता ने आगे बढ़कर हमको संभाला था, हमारे शरीर को रोग से लड़ने का बल गौ माता के गोमूत्र से, गोतीर्थ से, गोगव्य से ही तो प्राप्त हुआ था। और आज जब गाय कष्ट में है, हमारे पास ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे हम गाय के कष्ट को दूर कर सकते हैं, सिर्फ श्री भगवान से प्रार्थना ही कर सकते हैं। सबको श्री भगवान से प्रार्थना करनी है, लेकिन सेवा करके फिर प्रार्थना करेंगे तो हमारी प्रार्थना स्वीकार होगी, हम सेवा न करके मात्र प्रार्थना करेंगे तो प्रार्थना स्वीकार नहीं होगी। इसलिए सेवा करते हुए ठाकुर जी से प्रार्थना करनी है, इसके अतिरिक्त हमारे पास में और कुछ भी नहीं है आज गाय के कष्ट को दूर करने के लिए। आप देखेंगे गायों के इस रोग से ग्रसित गायों के कष्ट के जो वीडियो हैं, फोटोग्राफ्स हैं, तो आपको ध्यान में आएगा कि गोवंश कितना कष्ट पा रहा है। आइए हम लोग मिलकर के कुछ तो सेवा करें, गायों के इस शारीरिक पीड़ा में हम उन्हें कुछ थोड़ा सा भी आराम पहुंचा सकें तो ये हमारी ओर से की जाने वाली बहुत बड़ी गो सेवा होगी। आप सब आइए, सेवा के लिए आप सबका इंतजार है। जय गो माता, जय गोपाल।